अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना प्यार दिया, इतना मोहब्बत दी, आपने इतना सपोर्ट किया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इसी तरह सपोर्ट करते रहे, मोहब्बत देते रहे, तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाता रहूँगा, तो आपको काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है बेसिक इकोनॉमिक्स लेक्चर नंबर 3। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो नीचे जाकर सब्सक्राइब का बटन दबा के साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं जी। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे इसको फार्मूला मेथड के साथ करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा जिसके साथ हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 3x² + 4x - 5 = 0। इस इक्वेशन को बाय फार्मूला मेथड करना है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला करना है। तो एक्स के साथ जो वैल्यू होगी उसको ए, और एक्स के साथ जो वैल्यू होगी उसको बी, और तीसरी जो वैल्यू होगी उसको सी कंसीडर करेंगे। तो क्वेश्चन हल करते हैं। नीचे क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया गया है, x = -b + -√b² - 4ac/2a। इसमें आप वैल्यू पुट करते हैं, -4 4 है, आप देख सकते हैं बी की वैल्यू है। इसके बाद -√4² - 4 × 3 - 5। ये जो 4 है ये 4 फार्मूले का है। इसके साथ 3 जो है ये ए है, और -5 जो है ये बी है फार्मूले में, जो सी है, जो -5 है सी है फार्मूले में जो दिया गया है। इसकी वैल्यू ऊपर देख सकते हैं। तो नीचे है 2 फार्मूले का × 3 जो है ये है ए, 2a फार्मूले के साथ जो 3। तो नीचे इसको सॉल्व करते हैं। माइनस जब ब्रैकेट इसको खोलेंगे तो -4 + −√4 4 16 + −4 × 3 - 5। तो माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करने से आता है 60। तो 3 2s are 66, -4 + −√76/6। तो अब अंडर रूट हमने ख़त्म करना है। इसके लिए -4 जब इसको ख़त्म करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी +8.71/6। तो अंडर रूट ख़त्म करने के बाद इसको हमने अलग अलग से प्लस की अलग वैल्यू लिखनी है और माइनस की अलग लिखनी है। तो -4 + 8.71/6 ये हमने प्लस की अलग की है। तो इसके अलावा माइनस की अलग करेंगे, -4 - 8.71/6। तो पहले हम प्लस की वैल्यू हल करते हैं। तो अगर -4 में से जब ये माइनस करेंगे 8.71, तो हमारे पास आएगा 4.71, क्योंकि बड़ी वैल्यू है, प्लस इसके साथ है, इसलिए हम बड़ी इधर प्लस लिखेंगे, तो पॉजिटिव लिखते नहीं हैं। /6 इनको डिवाइड करने से एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी 8.78। ये हमारे पास एक्स की एक वैल्यू आई है। अब दूसरी निकालते हैं, -4 - 8.71/6। तो इनको जब आपस में माइनस माइनस जो प्लस हो गए तो ये बनेगा -12.71/6। एक्स की वैल्यू आ गई -2.11। तो एक्स की दो वैल्यू हैं। ये हमने बेसिक क्वेश्चन किया है। ये तकरीबन मैट्रिक में है, इंटर में है, एफएससी में है, इसके बाद बीए में है, बीएससी में है, तो ये एमए में क्वेश्चन है। तो ये बेसिक है, इसको समझना काफ़ी काफ़ी ज़रूरी है। तो ये जो हमने क्वेश्चन किया है ये हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के तहत किया है। इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फार्मूला मेथड के साथ क्वेश्चन किया। तो क्वेश्चन नंबर अब एक हमारा सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 इसको भी फार्मूला मेथड के साथ ही करेंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई और क्वेश्चन है तो इसी तरह के होंगे। मैं अगर आपको कोई मुश्किल पेश आए तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में अपना नंबर व्हाट्सएप दे सकते हैं, तो मैं आपके जो भी आपका मसला हुआ उसको हल कर दूंगा। तो इस तरह का जो सवाल होगा वो इसी तरीके से बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड के साथ ही सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ये 2 है, 4x² - x - 3 = 0, क्वेश्चन नंबर 2 है।
तो आपको बताया x के साथ जो वैल्यू होगी उसको a, x के साथ जो होगी उसको b और जो तीसरी वैल्यू होगी उसको c हम कहेंगे। तो ये नीचे क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया गया है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ये बहुत ही अहम है, इस तरह के क्वेश्चन अमूमन बोर्ड में आ जाते हैं। अगर आप मैट्रिक कर रहे हैं तो मैट्रिक में भी आ जाते हैं, इंटर कर रहे हैं तो इंटर में भी आ जाते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो हम अब फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, माइनस ये बी के साथ माइनस है और इन टू माइनस वन बी, ये ऊपर इसकी वैल्यू दी गई है माइनस वन, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस वन का होल स्केयर। ये होल स्केयर जो है ये बी है, देख सकते हैं इधर माइनस वन इसकी वैल्यू है और हमने माइनस वन का होल स्केयर, माइनस फोर इन फोर जो है वो फार्मूले का है और साथ ये वाला जो फोर है ये ए की वैल्यू है, ए ये फार्मूले में इसकी वैल्यू वो फोर लिखी है और साथ माइनस थ्री ये सी की वैल्यू है। ओवर 2 इंटू 4, ये 2 जो है ये फार्मूले का, 4 जो है ये ए की वैल्यू है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन आगे। ये माइनस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, तो प्लस वन प्लस माइनस, ये माइनस वन का जब होल स्केयर होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, साथ प्लस पॉजिटिव है तो माइनस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 4 2 8। आगे 1 प्लस माइनस अंडर रूट 49 ओवर 8। तो आपको पता होगा इस अब हमने अंडर रूट ख़त्म करना है, तो 49 का अंडर रूट जो है वो 7 होता है, प्लस माइनस 7 ओवर 8। इसको अलग अलग हम करेंगे, प्लस की वैल्यू अलग करेंगे, माइनस की अलग करेंगे, एक्स की वैल्यू प्लस में भी आएगी और माइनस के साथ भी आती है। एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 7 ओवर 8। तो इसी तरह हम 1 प्लस 7 जब होगा तो वो 8 ओवर 8 होगा, इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसके अलावा एक्स इज इक्वल टू 1.1 माइनस 7, तो -6 इसकी वैल्यू आ जाएगी ओवर 8, तो एक्स इज इक्वल टू -0.75। तो ये हमने सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया बाई फार्मूला मेथड के साथ, बजिया अजाए फार्मूला के साथ, क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ क्वेश्चन किया। तो इसी तरह अगर आपके क्वेश्चन कोई और इससे रिलेटेड हो तो आप इसी फार्मूले के तहत कर सकते हैं, तो आंसर आपका बिल्कुल ठीक आएगा। तो इसके अलावा हम इकोनॉमिक्स के बेसिक लेक्चर जो हैं वो आगे मैं वीडियो बनाता रहूँगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। तो इसके अलावा हम इंग्लिश की, आपको बताया कि इंग्लिश की जो बेसिक इंग्लिश है उसके लेक्चर प्रोवाइड करूँगा, तो वो मैं तकरीबन बहुत जल्दी आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा जिसमें हम टेंस करेंगे। इसके अलावा और काफ़ी चीज़ें ग्रामर की, पार्ट ऑफ स्पीच हैं। तो इकोनॉमिक्स का आगे लेक्चर अभी मैं देता रहूँगा आपको, इंशाल्लाह आपको काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें मिलेंगी। चलें जी, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।